जानलेवा तन्हाइयां, बस यही है हसरतों में 400 इन नफरतों में चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। अम्मा ने कहा तुमसे कुछ? जी, वो कह रही थी कि शादी को 4 माह गुजर चुके हैं और कोई खुशखबरी नहीं मिली, जरूर कोई गड़बड़ है। अम्मा भी ना, 4 महीने हुए हैं, 4 साल नहीं हुए अभी तक, और अल्लाह ताला के काम है ये। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला हमें ये नेमत जरूर देगा। और अगर किसी वजह से औलाद नहीं हो रही, देर हो रही है, तो इसमें भी जरूर अल्लाह ताला की कोई मसलियत होगी। और ये बातें जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। उसकी क्या मसलिहत है, क्या मंतक है, ये हमारी समझ से बालातर है। कह तो आप ठीक रहे हैं, मगर उनको कौन समझाए। देखो सबा, मेरी बात, अम्मा की किसी भी बात को सीरियस मत लिया कर। सब्र से काम लो, खुश रहो और अल्लाह ताला पर यकीन रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ और हम कुछ लेकर भी नहीं जा रहे, अच्छा नहीं लगता है? मेरे ख्याल में तो कोई मिठाई या हलवा ले लेना चाहिए, या क्यों ना हम उन्हें बाहर डिनर पे ले जाएं। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। क्या मिठू, मुस्कुरा दो। मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, मेरी तरह। थैंक यू। सरप्राइज सरप्राइज। अरे वाह, मगर ना मेरी सालगिरह और ना आपकी, तो फिर ये केक और ये सब क्यों? ये केक हमारी शादी की सेलिब्रेशन का हिस्सा है, और आज हम दोनों मिलकर ये केक काटेंगे। आओ। ये वाह, अच्छा दिखाऊंगी। मजेदार, कितनी मासूम है। इससे इन मॉडर्न रोमांटिक बातों में क्या पता। मजेदार। हुआ? आपको कुछ बोलने की आदत है क्या? अपने आप से बातें करते रहते हैं आप। नहीं, एक्चुअली मेरी जब से शादी हुई है ना, मैं खुद से तारीफ करता रहता हूँ। अपनी? अरे नहीं भाई, अपनी नहीं, तुम्हारी। क्या? मुझे ना बहुत भूख लग रही है, मैं अंदर से लेके आऊँ? आपने इस ड्रामे में इतना टाइम जाया किया ना, जाओ। बहुत भूख लग रही है, आप खाया अपना पार्टी की? मैं नहीं खाती। कहीं हम गिर ना पड़े। कैसी हो अम्मा? अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तुम दोनों ने बहुत जल्दी मुझे अकेला कर दिया है। बेटे साहब है कि अपनी बेगम साहिबा के साथ जाके बाहर से खाना वाना खाकर आ गए, और एक तुम। अरे इंसान फोन कर लेता है, पूछ लेता है कि अम्मा कैसी हो। अरे मेरा ख्याल करने वाले तो कब के अल्लाह को प्यारे हो गए। आजिद भाई, मैंने कहा था ना कि आप अम्मा को भी साथ ले चलते हैं। आमिर ने जो आप लोगों के लिए इतने अच्छे टिक्के और कबाब लाए थे, वो अम्मा को भी खिला देते। उमा मैडम, मैंने पहले ही खाने का बोल दिया था। अब अगर आमिर खाना लेकर आ गया तो मैं क्या करता। और ज्यादा शौकी मत बना करो तुम। हाँ हाँ देखो, बूढ़ी माँ घर में भूखी बैठी हुई है और बहू बेटा बाहर से टिक्के और बोटियां ठूस के आ रहे हैं। साजिद, इसने जो दाल बना के रखी है ना सड़ी हुई, मैं नहीं खाऊंगी वो, मैं भी टिक्का ही खाऊंगी। बता रही हूँ, मेरे लिए टिक्का लाई हो। जी अम्मा, मैं लेकर आता। और मलाई टिक्का लाना। जी। हाय अम्मा, इन्हें जरा कोई तमीज तहजीब नहीं है कि बहन के ससुराल कैसे आया जाता है। खाली हाथ मुंह उठा के आ गए। कसम से मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई है ना आमिर के सामने। अरे बेटा, मैं उसमें क्या करूं, बद तहजीब सी लड़की उठा के ले आया साजिद। अरे ये औरत का काम होता है कि वो बताए तो ही तो बंदा करेगा ना, अपनी सास का, अपनी बहनों का। ऐसी वर्ड है ना हाजरा की बेटी। अच्छा अम्मा, आमिर कल मुझे लेने आएंगे तो इस सबा से कह के ना उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनवा लेना। ऐसा ना हो कि उनके सामने घास फूस रख के चलती बने। वो क्या बनाती है वो, रशियन सलाद, वो बनवाना इससे। है तू फिक्र ही ना कर, रशियन सलाद के साथ साथ मैं तो इससे चाइनीज भी बनवा लूंगी। है ठीक रहेगा ना। और हाँ, ढेर सारे पैसे दूंगी। शौहर के साथ जाके अच्छे से कपड़े, अपनी पसंद की चीजें ले लीजियो। हाय अम्मा, तुम कितनी अच्छी हो ना। तुम हो तो मेरी खुशियाँ बाकी हैं, वरना किसी को मेरी परवाह नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे मेरी बच्ची। वैसे हुमा, अगर तुम खुश रहना चाहती हो ना बेटा, तो इस चुड़ैल सबा से अपने शौहर को जरा दूर रखो। सच कहती हो अम्मा। वैसे ही आमिर उस रिहाब के गुन गाते नहीं थकते। इन दोनों से मुझे होशियार रहना पड़ेगा। कब तक आएगा मेरा टिक्का? अम्मा मुझे खीर खानी है। जूते खा ले बेटा। अच्छा। अच्छा, प्रोडक्शन रेट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बजट एक्सीड कर गया। ये बजट अप्रूव किसने किया था? ये सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। हैदर अली जोहान। आमिर साहब आइए। जी, बस साइन कर दीजिए मुझे। जी थैंक यू सर। प्लीज कम। थैंक यू। वेलकम। आइए। लगता है शादी के बाद खाली ऑफिस का ही नहीं, आप तो मेरा फोन नंबर भी भूल चुके। ये क्या भाई, एयर टिकट? कहाँ जाने का प्लान है भाई? हाँ, जाने का प्लान है सीधा इस्लामाबाद और वहां से मनी, यानी हनीमून। गुड 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 प्लान। जी बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मुझे भी और आपको भी अपने प्लान में इन्वॉल्व कर लेते तो और भी मजा आता। क्या पता हम भी तुम्हारे साथ चलते। मैं हनीमून पे जा रहा हूँ, पार्टी करने नहीं, जो तुम दोनों को भी साथ ले जाऊं। मेरा कोई इरादा नहीं तुम दोनों को साथ ले जाने का। और बिग बॉस से परमिशन ली तुम? कहीं मेरा मतलब है कहीं तुम्हें ये टिकट्स महंगे ना पड़ जाएं। इन टिकट्स के साथ ये एक चीज और नजर आ रही होगी आपको, जिसे एप्लीकेशन कहते हैं, और ये आप अपने पास रखिए। ये आपको देनी है अंकल को। ये है मेरी 15 दिन की छुट्टी। जी नहीं, मुझे बली का बकरा बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। आप ये खुद जाके मेहताब साहब को दे दीजिएगा। लोग अपना टाइम कैसे भूल जाते हैं। याद है तेरे लिए कितनी बार मैं बली का बकरा बनाऊं, कहाँ कहाँ लटकाऊं, कहाँ कहाँ से गिराऊं, भूल गया सब। ये पकड़ एप्लीकेशन और तू ही देगा जाके उन्हें। अच्छा अच्छा, दे दूंगा यार। एक तो तू और तेरी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। फिक्र ना कर, हो जाएगा तेरा काम। एक खुशखबरी तुम्हारे लिए भी है। खुशखबरी? जल्दी से बता दे, बहुत कम सुनने को मिलती है। तुम अनकरीब चचा बनने वाले। क्या बात कर रहा है, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। अच्छा एक बात तू याद रख कि अपने भतीजे का नाम जो है ना वो मैं ही रखूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बेटी हुई तो बेटी हुई तो क्या हुआ? मैं लड़की का नाम नहीं रख सकता क्या? लड़की हुई तो भी नाम मैं ही रखूंगा यार। अच्छा बिल्कुल रख सकते हो। ये बताओ कि कॉफी चलेगी या चाय? कॉफी। जी, मेरे रूम में 2 कप कॉफी भेजिए। थैंक यू। अब ये बताओ कि क्या कब रहेगा? कल सुबह। गुड, चलो बेस्ट ऑफ लक। जी अम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि जैसे ही आपकी दवाई का टाइम होगा मैं आपको कॉल करके याद करा दूंगी। अम्मी हैदर बिल्कुल ठीक है, आपको पता है वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। और उस दिन मैं एक दवाई लेना भूल गई, वो भी वो खुद ही ले आए थे। चोरों का गुलाम ना, वो भी खुद ही ले आते हैं। जब से उन्हें पता चला है ना कि वो पापा बनने वाले हैं, वो इतने खुश हैं ना अम्मी, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ओ, अगर इसका बेटा पैदा हुआ तो फिर समझो हैदर गया काम से। नहीं नहीं, मैं पहले ही डैड को समझा, ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं, वरना हम जिसे निकाल बाहर करने की सोच रहे हैं वो जायदाद का एक और वारिस लेकर मुकाबले पे आ जाएगी। जी अम्मी, बस मुझे आपकी फिक्र रहती है कि आप अकेली हैं। मेरा ख्याल रखने वाले तो यहाँ पे बहुत हैं, आप अपना भी तो ख्याल रखा करें ना। मुझे हर वक्त बस यही लगा रहता है कि आप पता नहीं क्या कर रही हैं। चलें ठीक है, आप अपना ख्याल रखेंगी। अच्छा चलें, ओके, खुदा हाफिज। दर्द हो रहा है इतना पैरों में। ऐ सबा, ऐ बेटा इधर आ, ये जरा मेरे पैरों में आज ज्यादा ही दर्द हो रहा है, जरा दबा दे बच्चे। फूफो मैं जरा साजिद को खाना दे दूं फिर आती हूँ आपके पास। अच्छा जल्दी आ, अभी निकालती हूँ तेरी सैर और खाने। मैंने उसका की साजिद को खाना दे दूँ। अरे सबा आ गई पुप्पो। अरे बेटा देख जरा, अरे सबा जरा जिंदा हाथों से दबाओ बेटा। ऐसे मेरी हुमा इसलिए मुझे और ज्यादा याद आती है, ऐसा जबरदस्त पैर दबाती है, चुटकियों में दर्द गायब होता है। इस नामुराद को तुमने बोला कि उसकी माँ दर्द से तड़प रही है, ये नहीं कि आके खिदमत कर जाए। फूफो खाना खा रहे हैं, तब तक मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। सबा बेटा उससे यही कह दो कि कोई अच्छी दवा ही ला के दे दे, ताकि इस मनहूस दर्द से मेरी जान छूटे। आप फिक्र ना करें फूफो, आपको अच्छी सी दवा भी ला देंगे और मैं आपकी ढेर सारी खिदमत करके आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। जीती रहो। सबा मैं खाने पर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अम्मा क्या हो गया आपको? अरे बेटा जोड़ दर्द कर रहा है कि एक जोड़ दुख रहा है। वैसे अम्मा मुझे आपकी ये मंतक समझ नहीं आई आज तक। ये जब तक हुमा यहाँ पर होती है आप बिल्कुल चंगी भली बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही होती हैं, और जैसी हुमा यहाँ से गई और आप बीमार हो जाती है। आज सुबह भी आप ठीक थी, मुझे याद है। आए है, मेरी आदत नहीं है ये चोचले वोचले दिखाने की, मैं बहुत बीमार हूँ अंदर से। अरे रही बात हुमा की, उस बेचारी को तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, मेरी बच्ची खुद बहुत खिदमत करती है मेरी, तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। अच्छा अम्मा मैं आपको एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, आपको अच्छी सी दवाई देगा वो, आप खाएंगी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप ठीक है? अरे भाई तुम खुद से अपनी माँ की खिदमत कर लोगे तो मैं वैसी ही ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ, लेकिन मैं शारजा जाने की सोच रहा हूँ। हैं? शारजा चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? अम्मा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी जैसे अभी हो गई हैं। मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। अभी कुछ अरसे के लिए मैं वहाँ पर अकेला रहूंगा, उसके बाद जैसे ही मैं सेटल्ड हो जाऊंगा आप लोगों के रहने का बंदोबस्त कर लूंगा, फिर आप लोगों को भी बुला लूंगा। वैसे साजिद क्या जरूरत है वापस शारजा जाने की? हम यहाँ खुश तो हैं। खुश तो हैं, लेकिन सबा कमाऊंगा नहीं तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? 1 साल हो चुका है मुझे यहाँ पर, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। अभी हुमा की भी शादी की है, पैसे ही खत्म हो चुके हैं सब। है साजिद, तुझसे दवा क्या मंगा ली? तुझे तो हुमा की शादी के खर्चे याद आ गए। अब ऐसा करेगा तू? अरे ये होगा अब इशरत बानों के साथ। नाजिया, सोमी, साजिद, साजिद क्या हुआ? साजिद वो रिहाब, बताओ ना क्या हुआ रिहाब को? रिहाब फोन नहीं उठा रही है, मैंने बहुत बार उसको ट्राई करने की कोशिश की पर वो फोन नहीं उठा रही है। वो कहीं मसरूफ होगी इसलिए फोन नहीं उठा रही, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? मुझे डर लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा साजिद। अच्छा मैं अभी हैदर को कॉल करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हैदर भाई को भी मैंने ट्राई करने की बहुत कोशिश की, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। साजिद शुरू से ही मुझे गड़बड़ का एहसास पहले से होने लगता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्लीज आप मुझे मेहताब मामू के घर ले चलें, प्लीज साजिद, प्लीज मुझे ले चलें। अच्छा अच्छा सबा तुम रिलैक्स हो जाओ, आओ चलते हैं। मैं बैग लेके आती हूँ। रिहाब, 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 रिहाब क्या हुआ? रिहाब उठो, उठो। रिहाब, साजिद जल्दी पानी लाए। रिहाब उठो, रिहाब पानी लाओ, पानी लाओ। रिहाब, 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 रिहाब इसको सहारा दो, उठाओ। रिहाब क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रिहाब उठो, सहारा दो, उठो। आप लोग कब आए? भाभी जी, भाभी को क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। सुनी बाजी को बताती हूँ। अरे सोमी। यस डैड। सोमी बेटा वो हैदर ऑफिस का काम छोड़कर चला गया वहां हॉस्पिटल, वो तो रिहाब की कुछ एक्स्ट्रा केयर कर रहा है। अरे उसकी बहन और बहनोई भी वही हैं, मगर नहीं, हैदर साहब तो रिहाब के मामले में किसी पर एतबार ही नहीं कर रहे। डैड आप नहीं जानते, ये आजकल की मकार बहुएं शोहरों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चोचले दिखाती हैं और घरों से ही तैयारी कर कर आती हैं कि जाते ही शोहर पर कब्जा कर लेंगे। जरा सा काम किया नहीं और बस पड़ गई बिस्तर पे। सच कहती हो तुम बेटा, बिल्कुल रशी तरह हुआ। ये जो मेरी नाम नेहाद बहन हाजरा है ना, ये ऐसी क्या करती थी? अपने नखरे उठवाती थी मेरी सौतेली माँ से। डैड अब चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। नाजिया, वो दोनों सगी, मैं बीच में सौतेला, कुछ कर भी नहीं सकता। कैसी होती है औरतें, मक्कार, जादू करने। ये मेरी औलाद पर कर्जा है, कुछ माफ नहीं करूंगा। रिहाब अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ अब काफी बेहतर है, तभी तो डॉक्टर ने जाने की इजाजत दी है, वरना वो तो काफी फिक्रमंद हो रही थी। इससे ये भी बताओ कि डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया? डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपके पास बहुत टाइम है तो जाके 3-4 और घरों के भी ना कपड़े धोवाएं। जाओ जाके कपड़े धो। हैदर आपको तो पता है कि घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम सिर्फ आराम करो, डॉक्टर ने भी यही कहा है ना। क्या जरूरत है इतना सारा काम करने की, वो भी इस हालत में। अगर ऐसे ही रहा ना तो फिर तुम ये हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रहोगी, और मैं नहीं ले सकता ये टेंशन, ये इट्स टू मच फॉर मी, प्लीज अंडरस्टैंड। मगर प्लीज रिहाब, अपना नहीं तो अपने बेबी का ही ख्याल कर लो। हैदर भाई सही तो कह रहे हैं। तुम छोड़ दो इसे, इसके हाल पे। इसके दिमाग में ना कोई अक्ल की बात नहीं आने वाली, बहुत ही जिद्दी लड़की है ये नहीं सुनती किसी की। करें आप अपनी मर्जियाँ कर, कोई बात नहीं। रेहाब, थोड़ा सा दूध पी लो, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। थोड़ा सा पी लो ना। थोड़ा सा और पी लो। नहीं, बस दूध तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है रेहाब, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि तुम इस वक्त किस कदर वीक हो। It's okay, हैदर, just leave her alone. उसका दिल चाहेगा तो पी लेगी। आई थिंक अब तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हारी वजह से डैड भी जाग रहा है। डैड, आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको परेशानी हो रही है। It's all right, it's all right. वैसे मुझे लगता है कि रेहाब को बीमार होने का शौक भी है। शौक? आई एम सॉरी अंकल, पर बीमार होने का शौक किसे होता है? वहां पर डॉक्टर रेहाब को छुट्टी नहीं दे रही थी, वो चाह रही थी कि इसको एडमिट किया जाए ताकि कुछ दिनों के लिए मुकम्मल रेस्ट कर सके। हाँ तो लाया होगा ना हमारा हैदर इज्जत करके, दिल जो उदास हो जाता है इनका। नहीं सोमी आपी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि रेहाब तो खुद को नॉर्मल समझते हुए जबरदस्ती आई है। इसे तो बस मामू के नाश्ते खाने और अपने घर की फिक्र थी। ओहो, उसे तो मेरी फिक्र थी। इसका मतलब यह है कि इसकी बीमारी का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर बेशक ले जाइए इसे वापस, तुम ही है मेरी देखभाल कर लेगी। वैसे भी मुझे यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, जिसकी मर्जी आए जिसकी मर्जी ना आए, मुझे परवाह नहीं है किसी की। सबा प्लीज तुम लोग अब घर चले जाओ, पप्पू भी अकेली होंगी ना और काफी रात हो गई है। वैसे भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रेहाब, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास रुक जाती हूँ। हाँ सबा, तुम रुक जाओ, मैं घर जाता हूँ, वैसे भी उसको तुम्हारी केयर की जरूरत है। नहीं सबा, अब तुम लोग घर जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी हैदर है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। लेकिन रेहाब, चली जाओ। तुम्हें अल्लाह के हिफ्ज़ अमान ने दिया। ठीक है, क्या लगता है? हैदर, ऊपर बैठ जाए। मैं ठीक हूँ, तुम अकेली नहीं हो रहा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम परेशान क्यों हो रही हो? आई एम सॉरी हैदर। एक फोन ही कर लेती मुझे, साजिद था, सबा थी। ऑफिस में थे ना? मैं कहीं भी था, ऑफिस में था, वहां था, यहाँ था, मैं आ जाता, मैं क्यों ना आता? इस्लामाबाद में थी। हेलो सबा, खैरियत तो है? इस वक्त तुमने फ़ोन किया है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, बस आपकी तरफ से फिक्रमंद थी ना, तो बस कॉल कर ली। ठीक, क्या हुआ है? तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम परसों ही तो मुझसे मिलके गई हो बेटा, क्यों इतनी परेशान होती हो? बताओ क्या बात है? अम्मी, वो रिहाब ठीक नहीं है। वो कल शाम से रात तक हॉस्पिटल में रही है। या मेरे अल्लाह, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? बताओ अम्मी, बहुत थक चुकी है वो, ऊपर से माँ भी बनने वाली है। डॉक्टर ने सख्ती से आराम का कहा है उसको। तो सबा, तुम उसे साथ ले आती बेटा, मैं उसका खुद ख्याल रख लेती हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाती। नहीं अम्मी, बहुत जिम्मेदारियां हैं उसके सर पे। हैदर भाई, ड्राइवर, चौकीदार, हत्ता के सोमी और उसके ससुराल वाले भी, के सब उसी पे डिपेंड करते हैं। हाँ बेटा, जब वो यहाँ थी तो उसको मेरी फिक्र थी, मेरी जिम्मेदारी ली हुई थी उसने, और अब वो माँ बनने वाली है। अल्लाह उसके मसले हल करे, उसकी मुश्किल आसान करे। देखना इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी अम्मी, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा।